नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 1 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के मूवमेंट के लिए जारी हुआ दिशा निर्देश। आने वाले दिनों में बिहार के शहरी इलाकों में दिख सकता है कूड़ा। आज से बदल जाएंगे ये नियम। सीएम नीतीश ने किया बाढ़ प्रभावित दरभंगा और मधुबनी का जायजा। शुरू हुआ स्मार्ट डीएल बनाने का काम। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मैगजीन और इंडिया लिमिटेड नागपुर ने निकाली रिक्तियां। मैगजीन और इंडिया लिमिटेड नागपुर ने माइन फोरमैन ट्रेनी, माइन फोरमैन, माइन मेट, ब्लास्टर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के कुल मिलाकर 46 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं या डिप्लोमा या संबंधित विषय में और अनुभव का होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.moil.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सबा करीम की। सबा करीम का जन्म 14 नवंबर 1967 में बिहार पटना में हुआ था। वो भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। उन्हें एक दाएं हाथ के बल्लेबाज होने के साथ एक विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बल्ले और स्टंप के पीछे अच्छे ऑलराउंड प्रदर्शन के साथ सबा ने 1989 में वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम में प्रवेश किया। वहीं दक्षिण अफ्रीका में 1996 के दौरे के दौरान उन्होंने वनडे डेब्यू किया। 2000 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के दौरान भारतीय टीम में जगह सुनिश्चित करने का मौका मिला, जहां उन्हें टीम में स्थान मिलना शुरू हुआ तो एशिया कप के दौरान अनिल कुंबले द्वारा उनके एक आंख में झटका लग गया और उन्हें उसकी सर्जरी करानी पड़ी, मगर इससे उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले के मौसम का हाल। IMD पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी अधिकतर जगहों पर बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले के अधिकांश जगहों पर आज बारिश का अनुमान है। अन्य जगहों पर आंशिक रूप बादल छाए रहने की उम्मीद है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में आज कुछ ही जगहों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिले के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं अन्य जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के जिले के कुछ स्थानों पर बारिश होने की उम्मीद है। आज से बदल जाएंगे ये नियम। हर महीने की शुरुआत में हमारे जीवन से जुड़े कुछ न कुछ नियमों में बदलाव होता ही रहता है। इस बार भी सितंबर में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में बदलाव किया है। इसके अनुसार अगर आपका डीमैट में अकाउंट है तो आपको 30 सितंबर तक उसकी KYC करनी होगी। 1 सितंबर से अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है तो अप्लायर आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकेंगे। 1 सितंबर से 50,000 रुपए से अधिक का चेक जारी करना आपको परेशानी में डाल सकता है। 1 सितंबर से LPG सिलेंडर की कीमतों और मिलने के समय दोनों में बदलाव आएगा। पंजाब नेशनल बैंक 1 सितंबर 2021 से बचत खाते में जमा ब्याज दर में कटौती करने वाला है। 1 सितंबर से जब भी कोई नया वाहन बिकेगा तो उसका बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस अनिवार्य करना होगा। भारत में OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 1 सितंबर 2021 से महंगा हो जाएगा। अमेजॉन डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लॉजिस्टिक कॉस्ट में इजाफा कर सकती है। इसमें 1 सितंबर 2021 से अमेजॉन से सामान मंगाना महंगा हो जाएगा। गूगल की नई पॉलिसी 1 सितंबर 2021 से लागू हो रही है। शुरू हुआ स्मार्ट डीएल बनाने का काम। बिहार में अब स्मार्ट डीएल की प्रिंटिंग फिर से चालू हो गई है, जिसके बाद अब अधिकारियों और कर्मियों द्वारा अगले 4-5 दिनों में इसके बैकलॉग को खत्म करने का दावा किया जा रहा है, जो कि राजधानी पटना में शुरू हो रहा है। सब कुछ सही रहा तो डाक से 15 दिनों के अंदर सभी लोगों तक उनका स्मार्ट कार्ड पहुंचा दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कार्ड की प्रिंटिंग बंद होने के कारण 3,000 से अधिक स्मार्ट कार्ड पेंडिंग हो गए थे, जिसके बाद ही तेजी से प्रिंटिंग शुरू हो गई है। लेकिन कार्ड का विशेष पेपर खत्म हो जाने से इसमें लगभग आधे ही प्रिंट किए जा सके हैं। प्रत्याशी ऑनलाइन
ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं नामांकन। पंचायत चुनाव में सभी पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग में मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच समिति और जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशियों का ऑनलाइन नामांकन होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार निर्वाची पदाधिकारी के पास उपस्थित होकर ऑनलाइन किए गए नामांकन पत्र की प्रति और नाजरी रसीद की पर्ची जमा कर सकते हैं। एक प्रत्याशी दो सेट में नामांकन पत्र दाखिल करेगा। इसमें एक सेट में ही नामांकन जमा करना होगा। दूसरे सेट में नामांकन शुल्क की छाया प्रति जमा करानी होगी। पंचायत आम चुनाव में किसी भी पद पर नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को नामांकन शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा। कोरोना टीकाकरण के महाअभियान में शाम तक लगे इतने टीके। बिहार में बीते दिन टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया, जिसमें बीते दिन के शाम तक 13 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। हालांकि इस संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद राज्य में कुल वैक्सीनेशन 3,55,39,375 पर पहुंच गया है। इसमें 2,96,13,388 लोगों को पहली डोज और 5,92,598 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। वहीं राजधानी पटना में अब तक कुल वैक्सीनेशन की संख्या 37,75,225 पर पहुंच गई है। इसमें 27,41,316 ने पहली डोज और 10,33,909 लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है। नालंदा, राजगीर और बेतिया में बनेगा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस केंद्र। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। पिछले 5 साल में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है। ऐसे में कोरोना के बाद दोबारा से पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत पर्यटन विभाग ने बोधगया, नालंदा, राजगीर और बेतिया में पर्यटन केंद्र को बेहतर और अत्याधुनिक सुविधा से लैस करने का निर्णय लिया है, ताकि पर्यटकों को इन इलाकों में घूमने की किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही बोधगया में पर्यटन केंद्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की कवायद तेज हो गई है। वहीं बाकी पर्यटन स्थलों पर भी अधिकारियों को काम तेज करने का निर्देश दे दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने किया बाढ़ प्रभावित दरभंगा और मधुबनी का जायजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन दरभंगा और मधुबनी के बाढ़ग्रस्त इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न पुलों और तटबंधों की स्थिति का जायजा भी लिया, जिसके बाद सीएम नीतीश कुशेश्वर स्थान पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने दिवंगत विधायक शशिभूषण हजारी के परिजनों से मुलाकात की। इसके साथ ही मध्य विद्यालय मसानखोन राहत केंद्र पर बाढ़ विस्थापित लोगों से मुलाकात और किचन का निरीक्षण किया। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद सीएम नीतीश ने मीडिया से बातचीत की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। बाढ़ प्रभावित को जितना हो सके राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। आने वाले दिनों में बिहार के शहरी इलाकों में दिख सकता है कूड़ा। आने वाले कुछ ही दिनों में बिहार के शहरी इलाकों में जगह जगह कूड़ों का अंबार देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार में राज्य भर के 30,000 नगर निकाय कर्मचारी 7 सितंबर से हड़ताल पर जा सकते हैं। बिहार स्थानीय निकाय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की हाल ही में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है, जिसके तहत वेतन में एकरूपता नहीं होने और ग्रुप डी के पद समाप्त किए जाने जैसे मुद्दे को लेकर कर्मचारी आक्रोशित है। सरकार कर्मचारियों के इस हड़ताल को रोकने के लिए कोशिशों में जुट गई है। इतना ही नहीं, कर्मचारी संघ के नेताओं से अभी बात कर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी भी अपनी जिद पर अड़े हैं कि उनकी हड़ताल तय है। बिहार स्थानीय निकाय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने यह साफ कर दिया है कि 4 सितंबर को राज्य भर में कार्यालयों के समक्ष और 6 सितंबर को सड़कों पर आंदोलन करेंगे। वहीं 7 सितंबर से सफाई कार्य ठप कर देंगे। बिहार में नए सिरे से गन्ना क्षेत्र निर्धारित करने की तैयारी हुई शुरू। बिहार में नए सिरे से गन्ना क्षेत्र निर्धारित करने की कवायद शुरू हो चुकी है। गन्ना उद्योग ने चीनी मिलवार गन्ने की अपेक्षित मात्रा निर्धारित कर दी है, क्योंकि प्रदेश में संचालित की जा रही चीनी मिलों के लिए वर्ष 2021-22 सत्र के लिए 56.97 लाख क्विंटल गन्ने की जरूरत है। गन्ना उद्योग विभाग का यही मानना है कि इतनी मात्रा में गन्ना मिल अगर जाता है तो चीनी मिले पूरी सत्र में बेहतर पेराई कर सकती है। गन्ना उद्योग विभाग के इकायुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही चीनी मिलों की तरफ से जीपीएस सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक करीब 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है। क्षमता से अधिक कैदियों को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कही अहम बात। बिहार में कुल मिलाकर 59 जेलों में क्षमता से काफी ज्यादा कैदी मौजूद है। हालांकि अब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी कर दी है, जिसके बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास कहते हैं कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना कर रही है। अब तक एक भी कैदी को पैरोल पर नहीं छोड़ा गया है। ज्ञात हो बिहार की 59 जेलों में लगभग 46,000 कैदी लगभग रखने की क्षमता है, लेकिन मौजूदा वक्त में इन जेलों में 60,000
कैदी मौजूद है जो कि क्षमता से 14,000 अधिक है। हालांकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि पैरोल पर अंडर ट्रायल कैदियों को छोड़ा जाए, उसके बावजूद भी बिहार में अब तक एक भी कैदी को पैरोल पर नहीं छोड़ा गया है, जिसको लेकर बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने अपनी चिंता व्यक्त की है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए इस दिन तक करें आवेदन। अगर आप भी बिहारी हैं और बिहार में रह रहे हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं तो जल्दी करें, क्योंकि बिहार में सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले की अंतिम तारीख 5 सितंबर तक निर्धारित की गई है। सबसे खास बात यह है कि जेईई मेन की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आवेदन तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा सीट बचेंगी तो बीसीई सीईबी परीक्षा कराकर सीट भरी जाएगी। बीसीई सीईबी की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार जेईई मेन परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी दो चरण में काउंसलिंग और एक समापन मॉपअप काउंसलिंग की मदद से सीट भर सकते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ग्रुप के अभ्यर्थियों से मेधा सह विकल्प के आधार पर उपलब्ध सीटों का आवंटन किया जाएगा। इसको लेकर छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर सारी जानकारी दे दी गई है। प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के वेतन के लिए जारी हुआ 16.48 अरब रुपए। बिहार में प्राइमरी शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर राशि जारी कर दी गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को जून और जुलाई महीने का वेतन भुगतान कर दिया है। आपको बता दें कि वेतन भुगतान के लिए 16,48,84,19,430 रुपए भेजे गए हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के डायरेक्टर श्रीकांत शास्त्री ने सभी जिलों के डीपीओ स्थापना को इस संबंध में निर्देश दिया है। शिक्षकों के वेतन के पूर्व की अवशेष राशि का अपने स्तर से समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं, साथ ही दो दिन के अंदर वेतन भुगतान करने को कहा गया है। अभ्यर्थियों ने किया भूख हड़ताल तो शिक्षा मंत्री ने कह दी ये बात। बिहार में अभी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जहां प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। दो राउंड का नियोजन हो चुका है और अब तीसरे राउंड का नियोजन होने वाला है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अभी तक 38,000 पदों पर बहाली की जा चुकी है, जबकि 90,762 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इन सबके बीच बीते दिन जदयू कार्यालय के अंदर मंत्री जन सुनवाई कर रहे थे, वहीं दफ्तर के बाहर टीईटी अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि काउंसलिंग के लिए अभी भी बड़ी संख्या में टीईटी पास अभ्यर्थी बच गए हैं। जिन महिलाओं के नहीं पहुंचने के कारण रिक्तियां बची हुई है, उसमें पुरुषों को मौका दिया जाए, जिस पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने अहम बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की मांग पर विचार किया जा रहा है। इंटर में नामांकन लेने वालों की रिपोर्ट आज पोर्टल पर होगी जारी। इंटर में नामांकन लेने की इच्छा रखने वाले छात्रों को बिहार बोर्ड ने बीते दिन तक का समय दिया था, जिसके तहत पहली लिस्ट में शामिल हुए छात्रों ने ओएफएसएस पोर्टल के माध्यम से नामांकन किया। हालांकि पहले यह मौका छात्रों के पास केवल 24 अगस्त तक का था, लेकिन शुरुआती 3 दिनों तक सर्वर डाउन होने के कारण नामांकन की प्रक्रिया को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद आज नामांकन की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, ताकि खाली सीटों के आधार पर दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जा सके। लेकिन बीते दिन विस्तार किए गए समयावधि के बाद जिन भी बच्चों ने नामांकन के लिए अप्लाई कर लिया है, उनकी रिपोर्ट आज पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। बिजली आपूर्ति में सुधार के बढ़े आसार। बिहार में आने वाले समय में बिजली आपूर्ति में सुधार देखने के आसार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एनटीपीसी की ओडिशा की दर्लीपाली इकाई से 1 सितंबर से बिहार को लगभग 94 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। ओडिशा में एनटीपीसी के दर्लीपाली स्टेशन की दूसरी यूनिट में 1 सितंबर 2021 से कमर्शियल संचालन की घोषणा की गई है। वर्तमान समय में एनटीपीसी के विभिन्न स्टेशनों और इसके संयुक्त उद्यमों द्वारा बिहार को निर्धारित समय सीमा में जरूरत की 62% बिजली उपलब्ध कराई गई है। एनटीपीसी के अधिकारियों की माने तो एनटीपीसी बिहार को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति करती रही है। 14 अगस्त से 28 अगस्त के पखवारे के दौरान रोजाना औसतन 73 मिलियन यूनिट विद्युत की आपूर्ति की गई है। वहीं आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में अप्रैल, मई और जून के महीने में मांग अपने चरम पर रही है। पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के मूवमेंट के लिए जारी हुआ दिशा निर्देश। पंचायत चुनाव में वोटिंग के दिन किस पद के प्रत्याशी किस तरह से और कितने वाहन का उपयोग कर सकेंगे, इसकी जानकारी साझा कर दी गई है। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि मतदान के दिन ग्राम पंचायत सदस्य और पंच पद के उम्मीदवार पैदल ही जाएंगे, हालांकि उन्हें साइकिल के इस्तेमाल की अनुमति होगी। वहीं जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशी को एक 4-पहिया वाहन की अनुमति होगी, जिसमें अभ्यर्थी और उनके पोलिंग एजेंट घूम सकेंगे। वहीं पंचायत समिति के सदस्य पद के उम्मीदवारों को चालक सहित सिर्फ 1-2 पहिया वाहन से घूमने की अनुमति दी जाएगी और मुखिया और सरपंच पद के प्रत्याशियों को भी चालक के साथ 1-2 पहिया वाहन से घूमने की अनुमति होगी। हालांकि ध्यान रहे अभ्यर्थी या एजेंट दोनों में से किसी एक को ही वाहन का परमिट दिया जाएगा, जो कि संबंधित निर्वाची पदाधिकारी देंगे।
सीएम को पीएम मटेरियल बताने के जवाब में सुशील मोदी ने अपने आप को किया किनारा। इन दिनों बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल बनने की बात लगातार कही जा रही है, जिसके बाद इसे राजनीतिक टिप्पणी के बीच अब राज्यसभा सांसद और मुख्यमंत्री के साथ लंबे समय तक काम करने वाले सुशील मोदी भी अब अपना रुख साफ करते देखे गए, जिसके तहत इस मुद्दे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली और कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा, जिससे एक बात साफ हो गई है कि सुशील मोदी भाजपा में किसी प्रकार का विवाद नहीं उठाना चाहते और न ही अपने अच्छे दोस्त को ये कहकर निराश करना चाहते हैं कि वो इस पद के योग्य है या नहीं। बेहतर था कि इस पर चुप ही रहा जाए। ज्ञात हो एक समय पर सुशील मोदी और सीएम नीतीश के दोस्ती की खूब चर्चाएं होती थी, लेकिन अब उनकी चुप्पी से कई सवाल उठने लगे हैं। सांसद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री सम्राट चौधरी से की मुलाकात। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फूकने के साथ ही पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा संचालित सभी खातों के संचालन पर निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक रोक लगा दी है। हालांकि पंचायती राज विभाग के इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी हाल ही में जारी किया गया था। वहीं बीते दिन एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की, जिसके तहत शिवहर की भाजपा सांसद रमा देवी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बंद खाते चालू कराने को लेकर पंचायती राज विभाग मंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है, जहां पर शिष्टमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं के खाता संचालन पर रोक हटाने का आग्रह किया। इस पर मंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा करने का आश्वासन दिया है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारतीय मानक समय को 1947 में अपनाया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई। राज्य के पुनर्गठन के बाद 1956 को त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बना। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 1962 को शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी को 1964 में विलय करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनाई गई। साहित्यकार महाश्वेता देवी तथा पर्यावरणविद M.C. मेहता को 1997 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया गया। मशहूर धारावाहिक अभिनेता राम कपूर का जन्म 1973 को आज ही के दिन हुआ था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी का निधन 1574 में आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन को राष्ट्रीय पोषाहार दिवस और गुट निरपेक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीसीसीआई की कमाई में हो सकता है बंपर इजाफा। बीसीसीआई की कमाई में बड़ा इजाफा होने वाला है। जल्द ही उसकी कमाई का आंकड़ा 5000 करोड़ के आंकड़े को छूने वाला है। ये सब होगा आईपीएल के अगले सीजन में, क्योंकि आईपीएल के अगले सीजन में दो नई टीमों के जुड़ने के बाद जिनकी बेस प्राइस 2000 करोड़ रुपए है, क्योंकि आईपीएल फिलहाल 8 टीमों वाला टूर्नामेंट है, लेकिन अगले सीजन में इसके 10 टीम खेलते नजर आएंगे। हाल ही में होने वाली आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान इसकी बोली प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी ANI को बताया है कि कोई भी कंपनी 75 करोड़ रुपए देकर बोली के दस्तावेज खरीद सकती है। पहले दो नई टीमों की बेस प्राइस 1700 करोड़ रुपए रखने पर विचार चल रहा था, लेकिन अब बेस प्राइस 2000 करोड़ रुपए रखने का फैसला लिया गया है। सूत्रों ने आगे बताया कि बीसीसीआई कम से कम 5000 करोड़ रुपए की उम्मीद कर रहा है। बिहार में बाढ़ के कारण रद्द हुई यह ट्रेनें। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के हायाघाट रेलवे स्टेशन के पास रेल पुल संख्या 16 पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने से रेल परिचालन मंगलवार से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसमें जयनगर भागलपुर विशेष गाड़ी, भागलपुर जयनगर विशेष गाड़ी, समस्तीपुर जयनगर सवारी गाड़ी, जयनगर समस्तीपुर सवारी गाड़ी, समस्तीपुर दरभंगा सवारी गाड़ी, दरभंगा समस्तीपुर सवारी गाड़ी, जयनगर पटना विशेष गाड़ी, पटना जयनगर विशेष गाड़ी, जयनगर मनिहारी विशेष गाड़ी, मनिहारी जयनगर विशेष गाड़ी, जयनगर राजेंद्र नगर विशेष गाड़ी, राजेंद्र नगर जयनगर विशेष गाड़ी, सहरसा राजेंद्र नगर विशेष गाड़ी और राजेंद्र नगर सहरसा विशेष गाड़ी का नाम शामिल है। व्हाट्सएप के इस फीचर के लिए जल्द आएगा शानदार अपडेट। व्हाट्सएप ने पिछले साल यूजर के लिए डिसअपियरिंग मैसेज फीचर रोल आउट किया था। इस फीचर के जरिए यूजर अपने आप डिलीट होने वाले मैसेज भेज सकते हैं। डिसअपियरिंग मोड के साथ भेजे जाने वाले मैसेज ओपन होने के बाद खुद से डिलीट हो जाते हैं। अब कंपनी इस फीचर में कुछ बदलाव कर रही है। अब तक इस फीचर में व्हाट्सएप मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट होने के लिए अधिकतम 7 दिन का टाइम मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। WABETA इन्फो की माने तो कंपनी जल्द ही इस फीचर में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही कंपनी डिसअपियरिंग मोड में भेजे जाने वाले मैसेज के ऑटोमेटिकली डिलीट होने के टाइम फ्रेम को 7 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करने वाली है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 31 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,590 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,810 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,800 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.57 रुपए प्रति लीटर था।
हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है असलम राज, शहीद अली शाह, हबीबुर रहमान, शंकर मुखिया, संदीप कुमार, राजू कुमार, अंसार आलम, साहिर राज, राहुल कुमार, मृत्युंजय कुमार, अविनाश कुमार, रविन्द्र पासवान, केदार कुमार, विकास कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पंचायत चुनाव के मद्देनजर मुखियाओं के खाते पर लगाई गई रोक हटा देनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।